इस वक्त की बड़ी खबर जींद के नरवाना से आ रही है, जहां हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन का दावा किया है और भाजपा सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का वादा किया है। वहीं बीजेपी के ही कार्यकर्ता सरकार के इस दावे को पलिंदा लगा रहे हैं। जानकारी के अनुसार बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं पर ग्रुप डी में भर्ती कराने के नाम पर 15 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया गया है। पुलिस 3 कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। नरवाना शहर पुलिस ने एक व्यक्ति की शिकायत पर उसके रिश्तेदार को सरकारी नौकरी दिलाने के बदले में 15 लाख रुपए हड़पने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 3 लोगों को नामजद किया है। पुलिस को दी शिकायत में रोहतक रोड जींद निवासी अशोक ने कहा कि झील गांव निवासी टेकराम व उसके बेटे जगरूप सिंह से उसकी पुरानी जान पहचान थी। दोनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उनकी भाजपा के एक बड़े नेता से जान पहचान है, वह किसी को सरकारी नौकरी लगवा सकते हैं। दोनों ने उसे ढाकल गांव के महबूब से मिलवाया। अशोक ने महबूब को उसके साले को नौकरी लगवाने की बात कही तो तीनों आरोपियों ने मिलकर दावा किया कि वह पुलिस या ग्रुप डी में उसके रिश्तेदार को नौकरी लगवा सकते हैं, जिस पर उसने उन्हें 9 सितंबर 2018 को 10 लाख और 14 सितंबर को 5 लाख रुपए नरवाना के बस स्टैंड के पास दिए। लिस्ट आउट होने के बाद उसके रिश्तेदार को नौकरी नहीं मिली। राशि लेने के बाद उन्होंने ना तो नौकरी लगवाई और ना ही रुपए लौटाए। कई बार पैसे वापस करने का आश्वासन दिया लेकिन बाद में मना कर दिया। जांच अधिकारी रोशन लाल ने कहा कि शहर पुरानी पुलिस को मिली शिकायत के बाद तीनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।